कहाँ गई थी तुम? वो तुम मैंने रोजर अगर से माफी मांगने गई थी ना, उसकी मिन्नत करने, मेरा सर झुकाने। अगर तुम बोल चुके हो तो मैं तुम्हें बताऊं मैं कहां गई थी, क्यों गई थी, क्या करके आई हूं। देखो ऐमन, अगर तुम वाकई रोजर से माफी मांगने गई थी ना, तो फिर मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। गई तो मैं माफी मांगने ही थी, लेकिन वहां जाके मेरा शक यकीन में बदल गया। क्या मतलब? यहां आओ बताती हूं। मैं बात करूंगी, मैं माफी मांगूंगी रोहेल भाई से। मेहनत और मेहनत जरूर काम आ जाती है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी अम्मी, कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। बस देखिए, तुमने अपने बहजाद भाई की चालाकी, कैसे जाली वसीयत लेकर आ गए और हमसे मशवरा किए बगैर घर बेचने का बंदोबस्त भी कर लिया। मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई उनकी हरकत। मैं तुम्हें बता रही हूँ रोहित, नुकसान सिर्फ हमारा होगा। तुम अभी बहजाद भाई को जाके बोल दो कि हमें घर नहीं बेचना है, किसी भी सूरत नहीं, वरना सिर्फ इबाद और छोटी अम्मी नहीं, हम भी उनके साथ बेघर हो जाएंगे। सही कह रही हो तुम, करता हूँ सीमा आपा से बात करता हूँ। कहाँ गई थी तुम? वो मैंने तुम रोजर से माफी मांगने गई थी ना, उसकी मिन्नत करने, मेरा सर झुकाने। अगर तुम बोल चुके हो तो मैं तुम्हें बताऊं मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, क्या करके आई। देखो ऐमन, अगर तुम वाकई रोजर से माफी मांगने गई थी ना, तो फिर मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। गई तो मैं माफी मांगने ही थी, लेकिन वहां जाके मेरा शक यकीन में बदल गया। क्या मतलब? यहां आओ बताती हूं। रजा भाभी और रोहेल भाई ये घर नहीं बेचेंगे। तुम्हें कैसे पता चला? जायदाद के झगड़ों को बचपन से देखती आ रही हूं तो समझती हूं घर कब बिकता और कब नहीं। ओ, तो ये चक्कर है। अब तुम प्लीज ज्यादा अपसेट मत हो, मैं जानती हूँ तुम्हें सब मामलात को लेके बहुत परेशान थे, अब भूल जाओ सबको। परेशान तो था मैं, लेकिन अब नहीं। और ये बहजाद भाई को तो मैं बहुत में देखता हूँ। फिलहाल अम्मी को जाके सारी सिचुएशन बताता हूँ मैं। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।